हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे विशेस के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो के रेशियो को ले लेंगे। तो 1:1 वाली रेशियो को ले लेते हैं एंड अब मीडिया पे क्लिक करके वीडियो में टोटल 8 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे एंड इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे इन पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड इन पोजीशन को एंड अब इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो गेट मोड में आ जानी है एंड सॉफ्ट वाइप ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसमें सेकंड नंबर वाली इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सारे में ऐड कर लेंगे। एंड अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से वीडियो के रेशियो को ले लेंगे। तो अब 9:16 वाली रेशियो को ले लेते हैं एंड अब मीडिया पे क्लिक करके जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे। इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको इक्वल रख लेते हैं एंड इसके विग्नेट को ऑन कर लेंगे एंड अब इसमें ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड करेंगे। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके 4 रख लेंगे एंड इसको लास्ट तक रख लेते हैं। एंड अब यहाँ पे ऐड करेंगे वीडियो प्रोजेक्ट को एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको करना है ब्लेंड, तो इसको स्क्रीन करेंगे। एंड अब जो वीडियो मीडिया में है इसको डुप्लीकेट एज लेयर कर लेते हैं एंड इस टेम्पलेट वीडियो को कर लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट एंड इस पिक्चर वाले वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। एंड यहाँ पे 2 और फ्रेम है, उसमें भी पिक्चर्स को ऐड करेंगे। इसको क्रॉप कर लेते हैं एंड टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को इस फ्रेम में रख लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग सेकंड फ्रेम में भी पिक्चर को ऐड कर लीजिएगा। मैं इसको अभी रहने देती हूँ एंड इसको लास्ट तक रखना है। एंड जहाँ तक टेम्पलेट वीडियो है वहाँ से बैकग्राउंड वीडियो को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे। एंड अब यहाँ पे नेम को लिख लेते हैं एंड इसमें फॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इसको भी लास्ट तक रख लेंगे। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी एड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग टेम्पलेट वीडियो के साउंड को ऑफ कर लीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो के साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी।
तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।